आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमको गिवन है। इसमें टी हमारा सेकेंड्स में है, एक्स हमारा मीटर में है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हमारा एक स्टैंडिंग वेव का, वो होता है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स के बराबर होता है, मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से अगर अब हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमको ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 100 के बराबर मिल गई, और के की वैल्यू क्या मिल रही है, के की वैल्यू अगर हम देखें तो 0.01 के बराबर मिल गई कंपेयर करने पे। तो यहाँ से ओमेगा और के की वैल्यू मिल गई, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ओमेगा बाई के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें 0.01 होता है, तो यह आ जाएगा 10^4 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो बेसिकली वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी हमारा किसी भी वेव का हम उसको लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। अब हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ होता है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π(ν) होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें ओमेगा को हम के से अगर डिवाइड करेंगे तो न्यू इंटू लैम्डा ही आ जाएगा, यानी बेसिकली वही हमने किया है यहाँ पे, ओमेगा को किससे डिवाइड किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल का 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।